डीएचए वैली में क्या इस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जुहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम जो है डिटेल्स बताएंगे कि इस टाइम पे जो है इन्वेस्टमेंट करना डीएचए वैली में क्या सेफ है या नहीं, या जो चीज़ें परचेज की हुई हैं इनको बेच देना है ही बेहतर है इस टाइम पे। सो कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और डीएचए वैली के फैक्ट्रीज़ के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो डीएचए वैली अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट देखते हैं, 2008 में लॉन्च हुआ, डंप हो गया, डेवलपमेंट नहीं हो सकी, पार्टनर्स भाग गए और जो है लोग जो है वेट करते रहे दोबारा उस प्रोजेक्ट में जाने 2020 में, जहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फिर बैलेटिंग होना शुरू हुई 18 में 19 में, और 20 के बाद जाके ये जो है प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हुआ। अगर 2021 में देखते हैं, फिर बैलेट हुआ, फिर 2022 के मांग, यानी आज से अगर आप यानी इसी साल का जनवरी फरवरी तक का टाइम देखते हैं तो उस टाइम पे प्राइसेस आपके गई, अगर आप 5 पर ले फाइल देखते हैं तो उसकी प्राइस आपके पास गई तकरीबन 28 से 32 तक उसकी प्राइस की। बैलेटेड प्लॉट देखते हैं 5 मरले का, क्योंकि उससे पहले आपके पास 5 मरले में फर्स्ट बैलेट, सेकंड बैलेट और थर्ड बैलेट ही थे, लेकिन आपके पास बैलेटेड प्लॉट की प्राइस तकरीबन 45 लाख से लेके 60 लाख तक 5 मरले की प्राइस गई। 8 मरले की फाइल देखते थे तो कहीं 36-37 लाख से प्राइस शुरू होती थी और तकरीबन 42-43 लाख रुपीज़ तक आपको फाइल मिलती थी इसी साल के स्टार्ट की बात करें। उसके बाद आपके पास ही नहीं, ये वो टाइम था जिस टाइम पे आपके पास वैली बहुत अच्छी आई थी, डेवलपमेंट हो रही थी, बैलेटिंग चल रही थी, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए, इन्फ्लेशन बढ़ी और जो है इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि आपके पास सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, और इसी वजह से जब कोई ख़रीद ही नहीं रहा था वैली में हालात ख़राब होने की वजह से गवर्नमेंट के, या जो टैक्सेस इंप्लीमेंट किए, एडवांस टैक्स लग गया, आपके जो है फाइलर पे टैक्स लग गया, नॉन फाइलर पे और टैक्स लग गया, यानी नॉन फाइलर का टैक्स जो है जो पहले 2% था वो 5% हो गया था। सो टैक्सेस ज़्यादा हुए, सारी चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने परचेजिंग छोड़ दी, और अब अगर आप करंट हालात देखते हैं तो आपको वही 5 मरले की फाइल जो है वो आपको मिल जाती है, जो आपको जो आप आज से 5-6 महीने पहले 36 लाख से लेके 42 लाख तक मिलती थी, आज उसकी प्राइस तकरीबन 21 लाख से लेके 24 लाख तक होगी। 8 मरले फाइल की बात करते हैं, जो कि आज से 6-7 महीने पहले जिसकी प्राइस तकरीबन 40s में गई थी, 36 से 40s में गई थी, तो उसकी प्राइस देखते हैं अभी आपको जो है 8 मरले की फाइल जो है वो तकरीबन 26 लाख से लेके 30 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है। ट्रांसफ़र ओपन सारी की सारी इसी के अंदर कवर हो जाती है। आप 5 मरले बैलेटेड के प्लॉट जो आपको 45 लाख से लेके 60 लाख तक मिलता था पहले, अब उसके आप अगर प्राइस देखते हैं तो वो आपके पास शायद 32 लाख में भी अवेलेबल हो, 34 लाख में भी अवेलेबल हो, या मैक्सिमम प्राइस देखते हैं तो वो शायद आपके पास 55 लाख रुपए हो। 8 मरले की प्राइस देखते हैं, जो पहले प्राइस थी आपको साल के शुरू में वो आपके पास थी तकरीबन जो है एटलीस्ट 55 लाख से शुरू होती थी 8 मरले की बैलेटेड की प्राइस, और जाती थी कहीं 78 लाख रुपीज़ में। अब आपके पास जो है 8 मरले का प्लॉट आपको मिल जाता है 42 लाख रुपीज़ से, वो फोर्थ बैलेट मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपके जाती है कहीं 65 में ब्लू बेल फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर और कैटेगरी, ये सारी चीज़ें मिला के आपके पास तकरीबन 65-67 का प्लॉट आपको मिल जाता है। अगर अभी करंट हालात देखते हैं तो मार्केट आपकी मैक्सिमम डाउन जा चुकी है, और इससे अब शायद और आगे जो है मार्जिन ना हो, क्योंकि ये वो प्राइसेस हैं जिसके आगे लोग अफोर्ड नहीं कर सकता सेल करना। इस टाइम पे जो लोग सेल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, या जो बिल्कुल ही जान छुड़वाना चाह रहे हैं कि यार बस बहुत हो गया, डीएचए वैली ने हमें बहुत ख्वार कर लिया, यहाँ से एग्जिट लिया जाए। अब इस टाइम पे अगर आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो जो एंट्री या जो एग्जिट करने का इंडिकेटर है कि यार वो सबसे बड़ा ये है कि यार गवर्नमेंट जो है जो टैक्सेस इंप्लीमेंट हुई हैं वो टैक्स जो पॉलिसीज़ हैं वो रिवोक नहीं करती, वापस नहीं करती, तो आगे शायद 2-3 लाख रुपए प्राइस और गिरे। लेकिन अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स देखते हैं जिसकी वजह से शायद अपनी फाइल्स होल्ड करना बेहतर है या इन्वेस्ट करना बेहतर है, वो शायद ज़्यादा है। सबसे बड़ी रीज़न आपके पास ये आ जाती है कि अगर आप
पांच मरले का बैलेटेड प्लॉट या इवन फाइल देखते हैं, तो आपको अगर इस जोन में देखते हैं, किसी भी डीएचए में देख लेते हैं पांच मरले के प्लॉट जो डेवलप्ड हो, पोजेशनेबल हो, तो वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की प्राइस है। 1.25 करोड़ का पांच मरले का प्लॉट आपको डीएचए 5 में मिलता है, तकरीबन आपको 80-85 लाख से प्लॉट शुरू होता है डीएचए 3 में। और इसके अलावा आपके पास जो है पांच मरले के प्लॉट्स नहीं है, क्योंकि डीएचए वैली में ही आपके पास 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट थी, मेजोरिटी डीएचए जो है वो एक कनाल के प्लॉट बनाती है। अब 5 मरले का प्लॉट जो आपको किसी भी डीएचए में मिनिमम प्राइस पे जो है वो कम से कम 80 लाख का पड़ता है, और मैक्सिमम देखें तो 1.25 करोड़ का पड़ता है। वही 5 मरले का प्लॉट आपको अभी यहाँ पे मिल जाता है तकरीबन 32-34 लाख रुपए से लेके 38 लाख रुपए तक कैटेगरी प्लॉट्स में मिल जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्लॉट्स ये भी डेवलप्ड हैं लेकिन यहाँ पे पोजेशन नहीं है, और पोजेशन ना होने की वजह से प्राइसेस इतनी कम है। पोजेशन जो है, अगर सेकंड चीज़ देखें पोजेशन की, पोजेशन आपके ऑलेंडर ब्लॉक में जो है डीएचए ने दिया, लोगों ने अप्लाई किया और आने वाले प्रॉब्ली दिसंबर तक जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ भी कर देगा। नेक्स्ट बैलेट देखते हैं, तो पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि जब से जनरल नवीद सफदर ने जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, तो वाकई प्रोजेक्ट में बेहतरी आई। सबसे मेन प्रॉब्लम जो सोसाइटी में था, जो डीएचए वैली फेस कर रही थी, वो लैंड का प्रॉब्लम था। लैंड ही नहीं थी, जब लैंड नहीं थी तो डेवलपमेंट कैसे करते हैं। पिछले 2-3 साल में जितनी लैंड परचेज हुई है, इसीलिए पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपने मल्टीपल बैलेट्स देखे हैं। अभी एक और बैलेट जो है वो आप दिसंबर के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 12-15 हज़ार प्लॉट्स जो हैं वो और बैलेट किए जाएंगे। ये वो प्लॉट्स हैं जिनकी लैंड डीएचए ऑलरेडी परचेज कर चुका है, और इसी टाइम पे आप देखेंगे कि आपको जो है अनाउंसमेंट होगी कि आप डीएचए वैली जो है मजीद ब्लॉक्स के अंदर जो है वो पोजेशन भी दे रहा है, जिसका मतलब ये कि अब वो पोजेशन देने वाला जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको और मजीद ब्लॉक्स के अंदर भी आपको पोजेशन नज़र आएगा। इस टाइम पर अगर आप ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर जो रेडी फॉर पोजेशन है, जो काफ़ी हद तक डिवेलप है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करते हैं ब्लूबेल की, रोज के ब्लॉक के जो इनिशियल स्ट्रीट हैं जो ब्लूबेल के साथ लगती हैं, ये दोनों आपके डेवलप्ड ब्लॉक्स बनते हैं। आप ओलियंडर देखते हैं, जो होम्स के साथ वाली स्ट्रीट्स बनती हैं वो भी आपके डेवलप्ड बनती हैं। आप मैग्नोलिया ब्लॉक देखते हैं, मैग्नोलिया ब्लॉक में भी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलर सारी चीज़ें वहाँ पर हुई भी हैं। जो डेवलप जहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी पोजेशन नहीं है, वो आपके पास बोगनवेला में, डेफोडेल में डेवलपमेंट चल रही है, डेफोडेल में सॉरी नॉन डेवलप एरिया, डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं चल रही। डेवलपमेंट अगर आप ओवरऑल डीएचए वैली में देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी बोगनवेला में ही नज़र आएगी। फिर आपके पास लिली में काफ़ी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर आपको पोजेशन दे सकते हैं। जो एक मेजर प्रॉब्लम था वो इलेक्ट्रिसिटी तक का था, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी पहुंच जाएगी बाय मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ, और तो उसकी वजह से फिर आपकी कंस्ट्रक्शन करना बेहतर हो सकता है। पानी के सप्लाई जो कंस्ट्रक्शन करने वाले घर थे जो ओलियंडर ब्लॉक्स में थे, उसके लिए जो वाटर टैंक्स बनने थे, सप्लाई लाइंस थी, वो डीएचए जो है अभी सेटअप कर रहा है, जो कि शायद 1-2 महीने में वो भी सेटअप हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि पोजेशन आपको देखने को मिलेगा, प्लस जो नेक्स्ट बैलेट्स आएंगे उसके अंदर आप जो है और ब्लॉक्स भी देखेंगे जो कि ब्लू बेल से आगे के ब्लॉक्स हैं। डीएचए वैली जो नए बैलेट करने जा रहा है उसके अंदर नए ब्लॉक्स लॉन्च करेगा, दैट मींस कि वो वाली लैंड भी जो है समहाउ डीएचए वैली एक्वायर कर चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट अभी आगे स्टार्ट होनी है, और जो आपके मजीद जो अलॉटीज रहते हैं उनको वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ा अगर आप देखते हैं परचेजिंग का टाइम, तो वो वही टाइम होता है जब आपके पास प्राइसेस मैक्सिमम नीचे गई होती हैं। जिस प्राइसेस में आपको 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है, इस प्राइस में आज के टाइम पे आपको एक जो है ब्रांड न्यू क्रोला भी नहीं मिलती। तो ये 5 मरले की वर्थ अगर आप बाकी उसमें सेक्टर्स में देखते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे अगर प्राइस देखते हैं तो वो एटलीस्ट 3 टाइम्स कम है। यानी जिस प्राइस में आप डीएचए 5 के अंदर 5 मरले का प्लॉट आज के दिन ले सकते हैं, उसी प्राइस में आप डीएचए वैली के अंदर शायद 3-5 मरले के प्लॉट्स ले सकें। तो इन टर्म्स ऑफ लैंड देखें, ब्रांड दोनों डीएचए हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक पोजेशनेबल है और एक पोजेशनेबल नहीं है। अगर आप इनका आपस में डिस्टेंस भी देखेंगे कि डीएचए वैली का और डीएचए 5 का क्या डिस्टेंस है, तो वो तकरीबन शायद हार्डली 8-1 किलोमीटर का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। एक बार डीएचए एक्सप्रेसवे बन जाती है तो शायद डीएचए वैली से डीएचए 5 का डिस्टेंस शायद हार्डली 10 मिनट का हो, लेकिन 10 मिनट के अंदर अगर आप प्राइस डिफरेंस आज देखते हैं तो वो 3 टाइम्स
है। यही आपको एडवांटेज मिलेगा शायद एक से डेढ़ साल के अंदर अगर आप आज डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। सो अगर एडवाइस के तौर पे देखते हैं, आप फाइल होल्ड करते हैं, कमर्शियल फाइल है, कोई भी चीज़ आपको है, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि सेल ना करें फिलहाल, क्योंकि आपको अभी भी सेल करके कुछ खास मुनाफा नहीं होगा, शायद रिग्रेट ही होगा बाद में जब प्राइसेस आपके इंक्रीज़ करेंगे। और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, जब प्राइसेस ड्रॉप करती हैं तो आप होल्ड करते हैं या परचेज करते हैं, और जब प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो आप सेल करते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। तो इस टाइम पर क्योंकि प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। हालात आपके मैक्सिमम एक से दो महीने में ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव इंडिकेटर्स देखते हैं, आपके जो पंजाब गवर्नमेंट है वो टैक्स कम कर रही है, एफबीआर ने जो ओवरसीज लोग थे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट आपकी ओवरसीज से आती है, तो एफबीआर ने एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्स ओवरसीज पे जो रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ये भी बैरियर था जिसकी वजह से ओवरसीज लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था, तो प्रॉब्ली यहाँ से भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अब और इंक्रीज होंगी, तो अभी जो टैक्सेस हैं वो और कम होने की साइड पे जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो है इन्वेस्टमेंट और आने ज़्यादा होगी इस एरिया में। सो फाइनल एडवाइस आपके लिए, अगर आप कोई चीज़ परचेज कर चुके हैं तो पैनिक ना करें, होल्ड करें एटलीस्ट 2 से 3 महीने, एटलीस्ट नेक्स्ट बैलेट तक जो दिसंबर के अंदर तक है, आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। और अगर उसके अंदर पोजीशन आता है तो प्राइसेस एटलीस्ट जो पिछली प्राइसेस दिसंबर जो जनवरी के अंदर प्राइसेस थी वहाँ तक जाती हैं, तब भी आपको एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए का आज से जो है आज की प्राइस से फ़ायदा होगा। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये सही टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम अपनी जो लिमिट पे आ सकती थी उस पे आ चुकी है, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आप बस देखते ही रह जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, हम सही टाइम पे परचेज कर लेते हैं। सो खैर एनीवेज, आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। कोई भी आपकी क्यूरी है किसी किस्म की भी डीएचए वैली से रिलेटेड या डीएचए की किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से ब्लॉक में करनी चाहिए, किस प्राइस में करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से अल्लाह हाफ़िज़।